आज हम बात करने वाले हैं टॉप 6 सोल्डिंग आयरन्स के बारे में। हमारे पास 100 रुपए के सोल्डिंग आयरन से लेके हमारे पास 1000 रुपए तक का सोल्डिंग आयरन है। तो आज हम इन सोल्डिंग आयरन्स के बारे में बात करने वाले हैं, इनकी टेस्ट करने वाले, क्वालिटी, इनकी ड्यूरेबिलिटी और इनके अंदर की जो क्वालिटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है, जो इनकी बिल्ड क्वालिटी है, उसको भी टेस्ट करेंगे। और हमारे पास जो 3 आयरन है ये हमारे पास नॉन टेम्परेचर कंट्रोल्ड, यानी कि इसमें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो सकता, और जो 3 आयरन है हमारे पास इसमें है टेम्परेचर कंट्रोल्ड। इसका मतलब यह है कि इसमें टेम्परेचर कंट्रोल हमारा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं अपने नंबर 6 से। नंबर 6 पे हमारा ये सोल्डिंग आयरन है जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। यह है 25 वाट का सोल्डिंग आयरन, मेजरली हर जगह आपको ये दिख जाएगा। तो सबसे पहले इसे हम साइड में कर देते हैं, सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देख पा रहे होंगे, डिसेंट बिल्ड क्वालिटी है। इसके जो पीछे की जो रबड़ लगी हुई है फ्लेक्सिबल है, और इसके जो वायर है 1.5 मीटर की वायर है, नॉर्मल इसका प्लग है। इसकी जो हैंडल है ये भी डिसेंट है। ये इसका हीटिंग एलिमेंट है। मैं इसकी अंदर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो एक नॉर्मल डायोड लगा होता है, और यहाँ पे जो हमारी वायर होती है वो 220 डायरेक्ट हमें इस हीटिंग एलिमेंट में देके इसे हम गर्म कर देते हैं। ये आयरन हमारा गर्म हो चुका है। हम यहाँ पे एक सोल्डर करके देख लेते हैं। इससे अब सोल्डर करा तो सोल्डर भी हो गया बड़े आराम से। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया, जो इसकी सोल्डरिंग क्वालिटी है वो भी ठीक ही है। बट इसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि इस तरह की जो माइक्रो कंट्रोलर होती हैं, जो छोटी छोटी पिंस की होती हैं, उनको हम सोल्डर नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की। जो हमारे नंबर 5 पे जो सोल्डिंग आयरन है वो कुकू का 30 वाट का सोल्डिंग आयरन है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो डिसेंट है। ये होते सारे मेड इन चाइना ही है। इसकी थोड़ी थोड़ी बिल्ड क्वालिटी उस तरह से है जो हमारा 60 वाट का सोल्डिंग आयरन आता है ना, ब्लैक वाला, जो देसी सोल्डिंग आयरन होता है। में फर्क क्या है, इसकी जो यहाँ पे ग्रिपिंग है और इसकी जो मेटल की हाउसिंग है, बस इसकी बिल्ड क्वालिटी का फर्क है। मैं इसके अंदर से भी आपको खोल के दिखाता हूँ फटाफट। क्वालिटी है तो ये खुल चुका है इसका पूरा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं कर रखा, यहाँ पे अच्छे से सोल्डर भी नहीं कर रखा, ऐसे ही आपस में जॉइंट करके इसके ऊपर जो ये इंसुलेशन है ये लगा दिया है। इसके अंदर जो आप देख पा रहे होंगे ये मेटल की हाउसिंग है। अब मैं इसे भी एक बार खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस, इस तरह की कुछ बिट, इसकी जो क्वालिटी है वो इस तरह की कुछ क्वालिटी है। इसकी जो बिट है वो इतनी बड़ी बिट है, ये नॉर्मल आसानी से हमें मार्केट में मिलती भी नहीं है। जो हमारे नॉर्मल जो सोल्डिंग आयरन होंगे इनकी मिल तो जाती है, बट इसकी नहीं मिलती। इसका जो हीटिंग एलिमेंट है आप देख पा रहे होंगे, इसका हीटिंग एलिमेंट कुछ डिफरेंट टाइप का है। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने जो दो वायर होते हैं ना, अगर जो आप अंदर से इसे अच्छे से देखेंगे तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक लपेट रखे हैं, जिससे कि ये हीट होगा, हीट होने के बाद ये मेटल हीट होगा और फिर ये सारी की सारी हीट इस बिट में ट्रांसफर होगी, फिर हम आराम से सोल्डर कर सकते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी थोड़ी सी डिफरेंट लगी मुझे। तो दोस्तों, मैंने ये असेंबल करके जल्दी से गर्म होने के लिए लगा दिया था। तो अब हम देख लेते हैं, ये हो चुका है बहुत अच्छे से गर्म। ये सोल्डर वायर भी हमारा अच्छे से पिघला रहा है, तो हम इसे कर लेते हैं अभी साफ। और साफ करने के बाद मैंने यहाँ पे एक कैपेसिटर लिया हुआ है जिसे हम डी सोल्डर करने के बाद और इसको लगा के भी एक बार देख लेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है। ये जो डी सोल्डर हुआ ये तो बड़े आराम से हो गया, एक बार इसे लगा के देख लेते हैं। मैंने ये लगा दिया है, लगाने के बाद यहाँ पे हम इसे सोल्डर कर लेते हैं। ये दोस्तों 30 वाट का सोल्डिंग आयरन है, तो लेकिन तब भी मेरे को इसकी जो सोल्डिंग क्वालिटी है वो थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। थोड़ा टाइम लगा बट ये सोल्डर हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो नंबर 4 पे हमारा ये वाला सोल्डिंग आयरन है कुकू का, ये भी 30 वाट का ही सोल्डिंग आयरन है। और ये सेम जो हमने अभी जो नंबर 5 पे रिव्यू करा था, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। बस इसमें फर्क क्या है, इसमें एक तो इंडिकेटर मिल जाता है, और ये 30 वाट का है वो सेम ही है, और इसकी जो बिट है वो भी बिल्कुल सेम है। इसके अंदर की जो हीटिंग एलिमेंट है वो भी बिल्कुल हमारे पीछे वाले आयरन की तरह ही है। तो ये जो आयरन है मैंने सिर्फ इसे नंबर 4 पे इसलिए रखा हुआ है कि इसकी जो ग्रिपिंग है ना, जिसका हैंडल है, और इसकी जो इंडिकेटर है, इन चीजों के लिए ही इसे
मैंने नंबर 4 पे रखा हुआ है। कई बार क्या होता है कि जो हमारा जो हमने यहाँ पे प्लग में लगा दिया बट हमें पता ही नहीं है कि ये हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस इंडिकेशन से हमें पता चल जाता है। और यहाँ पे जो आपको ग्रिपिंग हैंडल मिलता है ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये काम करने के लिए ना बहुत ही अच्छी ग्रिप यहाँ पे हमें प्रोवाइड होती है। इसे खोलने के लिए अगर जो, चलो मैं एक बार इसे खोल के भी दिखा देता हूँ आपको अंदर से। इसे खोलने के लिए हमें, हाँ इसे खोलने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, बस ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारा, हमने ये खोला और ये खोलने के बाद इसे बाहर खींच लिया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो प्लास्टिक की मेटल हाउसिंग है, यहाँ पे एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर के बाद डायरेक्ट ये जो हमारे एसी के वायर हैं वो डायरेक्ट हमारे हीटिंग एलिमेंट तक जा रहे हैं, फिर ये हीटिंग एलिमेंट हमारी सोल्डरिंग बिट को गर्म कर देता है। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसे वापस लगा देते हैं और इसे दोबारा से यहाँ से कस देते हैं। तो ये था हमारा सोल्डरिंग आयरन। इसे मैं एक बार आपकी सोल्डरिंग क्वालिटी जरूर चेक करा दूंगा, कि वैसे तो दोनों में, इन दोनों सोल्डरिंग आयरन में फर्क कुछ नहीं है। इन दोनों सोल्डरिंग आयरन में, ये भी 30 वाट का, ये भी 30 वाट का, दोनों क्वालिटी के हैं। और जो इनकी मेटल हाउसिंग है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, और जब आप यहाँ पे टच कर पा रहे हैं ना, जब आप यहाँ पे टच करेंगे तो आपको थोड़ी सी जो हीट है वो यहाँ पे महसूस होगी, जो आपको काम करने में डिस्टर्ब करेगी। बट जब आप इस पे काम करेंगे तब यहाँ तक हीट बहुत ही कम आती है। यहाँ पे मैं पकड़ नहीं पा रहा क्योंकि इतना ज़्यादा हीट हो चुका है, लेकिन अगर जब मैं इससे काम करता हूँ तो ये यहाँ से जब मैं पकड़ता हूँ तो बड़े आराम से पकड़ लेता हूँ, और इसकी जो हीट है वो यहाँ तक भी नहीं आ पाती है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3 की। हमारा जो नंबर 3 का सोल्डरिंग आयरन है वो है हमारा सनशाइन का सोल्डरिंग आयरन, जिसमें हम टेम्परेचर कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये जो ट्रांसपेरेंट वाला सोल्डरिंग आयरन है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है वैसे तो। इसमें एक चीज़ हमें एक्स्ट्रा मिलती है, ये मिलती है हमें अर्थिंग वायर। अगर जो बाई चांस कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हमें ना जो सोल्डरिंग वायर होता है वो करंट भी मार देता है, तो उस करंट से बचने के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं अर्थिंग वायर। इसे हमें अर्थिंग से जोड़ना होता है बस, वैसे तो ना भी जोड़ो तो कोई इसका फर्क नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर जो हमें ये अर्थिंग वायर होता है इसे अर्थिंग से जोड़ देते हैं तो हमें करंट नहीं लगता। इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें एक छोटी सी आईसी लगी होती है, इस आईसी का नाम है LM358। अगर जो आप देख पा रहे होंगे इस आईसी का नाम है LM358। ये LM358 क्या करती है, जो यहाँ पे हमारा ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इस ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करती है इस नोब से। तो होता क्या है, जो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, इसमें जो टेम्परेचर है वो 200 से लेकर 450 डिग्री सेल्सियस तक है। इसका मतलब यह है कि इस वाले आयरन को हम छोटे वर्क के लिए भी यूज कर सकते हैं और बड़े वर्क के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर जो हमें इससे मोबाइल रिपेयरिंग करनी है या कुछ भी चीज करनी है तो इसे बड़े आराम से हम कर सकते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे ले जाके। इसका जो एरो आप देख पा रहे होंगे ट्रांसपेरेंट है और वो इधर की साइड में है, तो हम यहाँ पे जितना भी टेम्परेचर रखेंगे, जैसे मैंने अब 200 डिग्री सेल्सियस रख दिया है, तो ये यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस पे ही वर्क करेगा। ये वर्क ऐसे करता है कि जब 200 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, फिर जब 200 से नीचे जाएगा तब चल जाएगा। इस तरह से ये ऑन ऑफ करके ये 200 डिग्री सेल्सियस का मेंटेन करता है। अगर जो हम ज़्यादा रख देंगे तो ये ज़्यादा देर के लिए चालू होएगा और 450 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद ही बंद होगा। सेम इसमें जो हीटिंग एलिमेंट है वो जो मैंने आपको नंबर 5 में दिखाया था, सेम उसी तरह की बिल्ड क्वालिटी है इसकी। बट इसकी जो मेटल की हाउसिंग है वो थोड़ी सी हैवी है और इसकी जो बिट है वो भी थोड़ी सी हैवी है, इसलिए ये थोड़ा सा महंगा भी आता है। तो एक बार मैं इसकी जो अंदर की हीटिंग है ना, हीटिंग एलिमेंट है, वो आपको फटाफट खोल के दिखा देता हूं। जो हमारी ये पीसीबी है ये बड़े आराम से निकल गई। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसमें यहाँ पे एक पोर्ट लगी हुई है जो जिससे हमारी टेम्परेचर कंट्रोल होती है, ये आईसी मैंने आपको दिखाई थी। और इसके अंदर है हीटिंग एलिमेंट। इसे खोलने के लिए हमें कुछ नहीं करना, ये वाले पेज खोलने हैं सबसे पहले। इसकी जो सोल्डरिंग बिट है वो हमारी निकल चुकी है, वो कुछ इस तरह की है। इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी हैवी लग रही है मेरे को, ये थोड़ी सी हैवी है भी एक्चुअल में। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें जो ब्लैक वाला वायर है वो ब्लैक वाला वायर यहाँ पे अर्थिंग के लिए दिया हुआ है, और इसे स्पेशली इस वाली मेटल हाउसिंग के साथ यहाँ पे स्क्रू के साथ इसे लगाया हुआ था, छोटे वाले स्क्रू के साथ, ये जो हमारा स्क्रू था।
तो अब इसकी जो मेटल हाउसिंग है वो निकल नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो वायर है बड़ी थोड़ी सी शॉर्ट है, तो ये जब तक डिसोल्डर नहीं होंगी तब तक नहीं निकल पाएंगी। तो सेम वैसे जो चौथे नंबर की मैंने आपको सोल्डरिंग आयरन दिखाया था, उसी तरीके का सोल्डरिंग जो हीटिंग एलिमेंट है उसी तरीके का हीटिंग एलिमेंट होता है। यह है हमारा नंबर टू, ये हमारा सबसे बेस्ट है। वैसे पर्सनली मैं इसको सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, आप जाके उसे मेरे चैनल पे वॉच भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैं इसको जल्दी से खोल के दिखा देता हूँ आपको। एक तो ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होने के बाद इसमें सबसे जो बेस्ट चीज लगती है मेरे को, इसमें आती है 5 बिट फ्री। बहुत अलग अलग तरीके की सोल्डिंग करते हैं, तो उन सारों के लिए सबसे बेस्ट होती है। इसमें हम हर तरीके की सोल्डिंग कर सकते हैं, जैसे ये पतली पिन की बिट है, इससे हम छोटे जो मोबाइल, इसमें जो मोबाइल रिपेयरिंग जैसी चीजें हम कर सकते हैं। इससे हम ये जो बिट है हमारी, इससे हम जो बड़े सोल्डर पॉइंट होते हैं उनको हम सोल्डर कर सकते हैं। और इस तरह की जो बिट्स होती हैं वो हमारी कंपोनेंट को डीसोल्डर करने में बड़ी हेल्प करती हैं, तो इस तरह की जो बिट होती हैं वो बड़ी हेल्पफुल होती हैं। और भी बहुत सारी तरीके की बिट्स हैं, मैं पर्सनली इस तरह की बिट जो होती है, इस तरह की बिट को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और इसके साथ एक और बिट आती है जो इसके साथ इनबिल्ट बिट आती है, ये जो नॉर्मल हमारे नॉर्मल पर्पज़ में यूज़ होती है वो इस तरह की होती है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी मैं आपको खोले एक बार खोल के दिखा देता हूँ। इसकी जो मेटल की हाउसिंग है सबसे पहले वो निकाल लेते हैं, इसकी बिट निकल गई। बिट निकालने के बाद इसकी जो ये वाली हाउसिंग है ये निकल गई। ये निकालने के लिए, इसकी जो पीसीबी निकालने के लिए, सबसे पहले इसकी जो टेम्परेचर कंट्रोल नोब है वो निकाल लेते हैं। ये इसकी पीसीबी, इसकी जो पीसीबी है वो भी बहुत अच्छी बनी हुई है। इसमें जो आप ये वाले कंपोनेंट देख पा रहे होंगे, ये है ट्रैक, इसकी जो नंबर है वो है BT136। BT136 SMD में है। ये जो ट्रैक, जो नॉर्मल ट्रैक हम यूज करते हैं वही ट्रैक है BT136। यहाँ पे एक पोर्ट लगे हुए हैं, यहाँ पे इसके सपोर्टिंग कंपोनेंट लगे हुए हैं, यहाँ पे ये इसकी एक छोटी सी LED लगी हुई है इंडिकेशन, जब हमारे ये ऑन हो जाता है तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर देता है कि हमारा ये ऑन हो चुका है। ये इसका हीटिंग एलिमेंट है, ये इसकी बिट है। ये जो नोब है, ये जो हमारा पोर्ट है, वो उससे हम कंट्रोल करते हैं इस ट्रैक को। ट्रैक क्या करता है, इस हीटिंग एलिमेंट को उस टेम्परेचर पे सेट कर देता है जो भी हमें सेट करना होता है। इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो भी 200 से लेके 450 डिग्री सेल्सियस तक है। तो हमें जिस तरह का काम करना है, वैसे हम नॉर्मल जितने भी काम होते हैं हमारे, वो हमारे 250 डिग्री सेल्सियस पे बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा सोल्डर वायर होता है, ये जो सोल्डर वायर होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 180 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो 180 डिग्री से ऊपर जितने भी टेम्परेचर होता है वो सफिशियंट होता है। अगर जो हम ज्यादा टेम्परेचर पे काम करते हैं, हमने मान लो इसे 450 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया, 450 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होगा, ये जो बिट्स है ना इसको खराब करना स्टार्ट कर देगा। ये बिट होती है प्योर कॉपर की, इस पे ऊपर जो शाइनिंग दिख रही है वो निकल की कोटिंग होती है, जिससे कि इस पे ज्यादा रस्ट ना लगे। लेकिन हम जब ज्यादा टेम्परेचर कर देते हैं, तो ज्यादा टेम्परेचर करने के बाद इसमें होता क्या है, इसमें रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, ये जल्दी से मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी जो बिट है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है ज्यादा टेम्परेचर पे। तो गाइज ये हमारा नंबर वन आयरन, ये जो हमारा सोल्डिंग आयरन है वो उसी की जस्ट कॉपी है, बस इसमें जो हमारी डिस्प्ले है, डिस्प्ले के साथ साथ इसमें जो कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हमें दो बटन दे दिए हैं, एक प्लस एक माइनस। मैं जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूं आपको। मैंने साइड में रख दिया है, इसे साइड में रख देते हैं। ये हमारा 60 वाट का सोल्डिंग आयरन, जिसमें डिजिटल डिस्प्ले आती है और साथ में इसमें दो बटन आते हैं प्लस और माइनस के। जो भी हमें टेम्परेचर सेट करना है वो हम इन बटनों के थ्रू कर सकते हैं। सेम बिल्ड क्वालिटी होती है, सेम सारी चीजें होती हैं। इसे खोलने के लिए सबसे पहले इसकी जो अंदर की पीसीबी है वो भी सेम होती है, बस जो डिस्प्ले चलाती है ना, डिस्प्ले चलाने के लिए इसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है और कुछ नहीं लगा हुआ। इसमें भी BT136 अंदर ही इनबिल्ड लगा हुआ है। इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे, तो उसे भी मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं या मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये वाला आयरन और ये वाला आयरन, ये दोनों सेम ही है, तो मैं इसे आपको चला के दिखा देता हूँ। तो इससे क्या होगा, आपको दोनों की क्वालिटी का पता चल जाएगा। तो मैं इसे जल्दी से असेंबल कर देता हूँ। जो अंदर की बिल्ड क्वालिटी है वो भी बिल्कुल सेम है, इसमें बस जो डिस्प्ले चलाने के लिए इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर लगा है और कुछ नहीं लगा हुआ। तो मैं इसे जल्दी से फटाफट से आपको चला के दिखा देता हूँ। तो गाइज ये मैंने सोल्डिंग आयरन जो है वो ऑन कर दिया था, ये गर्म हो चुका है। तो इसमें ये जो बटन है ये प्लस का है, इससे हम टेम्परेचर को प्लस और माइनस कर सकते हैं। इसमें डिस्प्ले ब्लिंक कर रही है, ये ब्लिंक नहीं कर रही है एक्चुअल में, ये कैमरे की वजह से हो रही है, जो कैमरे की फ्रिक्वेंसी है वो इसके साथ मैच हो जाती है, इसलिए इस तरह की ब्लिंकिंग आती है।
जो हर एलईडी डिस्प्ले में आती है, ये 520 इसका हाईएस्ट टेम्परेचर है और 180 डिग्री इसका सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है। तो हमें जो काम करना होता है वो हम काम करते हैं 250 के आसपास, ये सबसे लोएस्ट इसका 180 है, तो हम इसे कर लेते हैं 250 के आसपास। हमने 250 पे कर लिया है और अब हम इसे शोल्डर को गर्म करके दे, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये बड़े आराम से इसको शोल्डर को पिघला दे रहा है। एक चीज और है, इसकी खासियत यह है कि मैंने अभी लगाया और तुरंत ही बहुत जल्दी ये हीट हो गया, बहुत ही जल्दी ये गर्म हो गया। तो इसे हम साफ कर लेते हैं एक बार, आप देखेंगे कि साफ करते ही ये बिल्कुल इसकी जो बिट है वो एकदम चमक गई। इसका सही तरीका यही है, स्पॉन्ज या फिर कोई क्लीनिंग एजेंट लेके इसको अच्छे से साफ कर लिया जाए। अगर जो आप इसको रेत मार्क वगैरह से साफ करेंगे तो इसकी बिट बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगी और वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी। तो इस तरह से इसे काम करने के बाद, जो हमारा सोल्डरिंग प्रोसेस होता है उसे करने के बाद, इसे अच्छे से साफ करके रख दिया जाना चाहिए और इसे कम हीट पे ही, ज़्यादा हीट पे चलाएंगे तो इसकी सोल्डरिंग जो बिट होती है वो खराब हो जाती है, कम हीट पे ही इसे यूज करना चाहिए। तो अब हम इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं, जो हमारी पीसीबी थी उसे भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। मैं इसे सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इस कंपोनेंट को निकालने वाला हूँ। दोनों ही पॉइंट पे इस सोल्डिंग आयरन को लगा दिया है और ये बड़े आराम से इसने इसको निकाल दिया। तो मैं इसे दोबारा से लगा देता हूँ, ये मैंने इस पॉइंट को लगा दिया है। ये कैपेसिटर लगने के बाद मैं आपको इसे एक बार इसे सोल्डर करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको सोल्डिंग क्वालिटी का इसका पता चल जाए। तो गाइज आप देख पा रहे होंगे, मैंने ये दो पॉइंट जो अपने कैपेसिटर के सोल्डर करे थे वो दो पॉइंट बड़े अच्छे से सोल्डर हो चुके हैं। इसकी जो क्वालिटी है वो भी बड़ी अच्छी है, मैं इसे कितना भी खींच रहा हूँ ये नहीं निकल रहा है। तो ये थी आज की हमारी टोटल वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया हमारे टॉप 6 सोल्डरिंग आयरन्स, जिसमें मैंने आपको शुरू से लेकर एंड तक बताया कौन सा आपके काम के लिए बेटर है। वैसे जो सबसे बेस्ट जो सोल्डरिंग आयरन है वो जो ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, तो ये वाला जो मैं रिकमेंड करूँगा आपको, सबसे ज़्यादा जो सोल्डरिंग आयरन जो हमारा चलता है वो, इसकी जो बिट है वो भी बड़े आराम से इजीली अवेलेबल हो जाती है और इसमें ज़्यादा कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती, और इसमें जो 5 बिट मिलती है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से सबको काम करने के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।